खबर एटा के थाना राजा के रामपुर से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते उपेंद्र कुमार पुत्र सुबोध कुमार उम्र 22 वर्षीय अपने खेत में काम कर रहे थे, जहां पर उनकी पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की कॉल आई और उसने कुछ खास काम किए हैं। उन्हें बाग में बुलाया गया, जहां बाग में उपस्थित आलोक उनके भाई कल्लू पुत्र जोगराज सिंह और उनके अन्य साथी मिलकर उपेंद्र उर्फ भूरे की हत्या कर दी गई। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। संवाददाता संजय दिवाकर की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पुष्पेंद्र है। पुष्पेंद्र जी, क्या घटना हुई है, क्या है मामला, पूरा बताइए। घटना ये थी कि हमारे भाई से पहले से कुछ पानी के पीछे कुछ पैसे के चक्कर में लेन देन में कुछ पहले से झगड़ा चल रहा था उन लोगों का, तो उन्होंने उसे खेत पे बुलाया था और खेत पे फोन करके और वहाँ पे अंदर बाग में ले जाके उसकी आत्महत्या कर दी। कौन है वो लोग जिसने बुलाया था? वो दूसरे गाँव के है, दो भाई सगे है वो। क्या नाम है उनका? उनका नाम, एक का नाम आलोक है, एक का नाम कल्लू है और सनौ प्रभु है, जोगराज सिंह नाम पिता का नाम। तो ये कहाँ मिले थे आपको? ये खेत पे थे सुबह के टाइम में करीब 11 बजे, इन्होंने हमारे भाई को फोन किया, वो खेत पे अपने कुछ लाभ वगैरह कुछ काट रहा था, तो उसे फोन बोला कि तुझे वो तो जल्द अर्जेंट काम है, मेरे पास जल्दी आ जाओ, मैं बाग में बैठा हूँ। तो इसने बोला कि आप मम्मी से बोला हम अभी आ रहे, तुम यहीं बैठी हो और हमें बाग में दो तीन लड़के हैं बुला रहे हैं। तो फिर बाग में जाने के बाद जब मम्मी ने केयर करो फिर बेटा अभी लौटो ना, क्या बात है, तब तक उसकी वहाँ पे हत्या कर दी गई है। आपने FIR दर्ज की है? हमने FIR दर्ज की, हम पोस्टमार्टम हाउस पे बैठे हैं और पोस्टमार्टम कराना चाह रहे हैं। कौन से थाना की घटना है ये, कौन से थाने की? उसमें हमारा जो थाना राजा रामपुर नगला करण है और घटना स्थल अलीगंज थाना में पड़ता है, जहाँ क्षेत्र में घटना हुई है, जहाँ हत्या की गई है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और साथ ही डेली अपडेट पाने के लिए बेल आइकन